sun protection includes covering your skin with a good sun protector, also covering yourself, your face when you're going out into the sun, avoiding excess sun exposure during the peak sun hours. जैसे हमारा 9 बजे और 4 बजे के बीच में बाहर जाना is very difficult and there are many consequences. This is Virushi and you are watching The Good Health Show, and today we are going to talk about skin health, and for that we have Dr. Mala with us. Hello ma'am, how are you? Hello Virushi and hello to your viewers. Lovely to be here on your show. Thank you so much ma'am. Ma'am, skin care is very very important and skin health is also very important, and I think ki time ke saath wo awareness bhi aa rahi hai logon mein, skin ko lekar kafi zyada wo conscious rehne lage hain. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि स्किन तो अच्छी रहनी चाहिए हमेशा. सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. एंड टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सी, द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट स्किन इज अ बेसिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो उसकी देखभाल करना इज नॉट जस्ट फ्रॉम अ ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स vital to look after your skin. It provides us with so much of protection from the sun. It has so many other roles to play. So skin care definitely is extremely important, and that includes nourishing the skin from within and also from outside. So I think that answers your question ki skin care to bahut zaruri hai. Exactly. And jisse abhi daily day care ka alag hone laga hai, night care ka alag hone laga hai, so is it really important ya fir hum ek basic routine bhi follow karke apni skin ko healthy rakh sakte hain? Dekhiye, jahan tak day and night routines ka farak hai, तो द बेसिक डिफरेंस दैट कम्स इन इज दैट एट नाइट वी प्रेफर टू गिव आइदर स्लाइटली हेवियर इंग्रेडिएंट्स या स्लाइटली रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स. जैसे हम लोग कभी कभी रेटिनॉल लेते हैं या फिर किसी को पिगमेंटेशन होता है, उसके लिए कुछ हम लोग उनके स्किन को अगर हम लोग एडवाइस करते हैं, तो दैट इज बेटर एट नाइट. वेर इज इन द डे वी प्रेफर अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ रूटीन, क्योंकि मोस्टली वी गो आउट इनटू द सन या पोल्यूशन होता है एटसेट्रा, सो वी डू नॉट वॉन्ट टू इरिटेट द स्किन इन द डे. बट if it is a choice between not following a skincare regime and just following the simplest regime, to simply hi karo, lekin karo zarur. Okay, karna important. Karna important. अच्छा मैम, ऐसी कौन-कौन सी skin conditions हैं जिसके बारे में हमारे audience को aware हो जाना चाहिए, क्योंकि people are like कि acne हो गए, people are like कि redness हो रही है, but they are not very aware of the skin conditions जो आजकल problems भी हो रही है. So मैं चाहूँगी कि आप उन्हें address करें. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, आई एम गोइंग टू स्पीक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें जिस तरह की स्किन कंडीशंस हम देखते हैं, दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हिच आर सीन इन अदर कंट्रीज. सो आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव. हमारे जो कंट्री में सबसे बड़ा इशू जो आ जाता है वो ये है, द सन इज एवरीवेयर. सो अ लॉट ऑफ द इशूज कम अप आइदर ड्यू टू एक्सेस सन एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, या फिर बहुत सारा पोल्यूशन जो हम लोग फेस करते हैं उसकी वजह से इश्यूज आते हैं. सो दिस कैन रेंज फ्रॉम यू नो सन स्पॉट्स, प्रेमेच्योर एजिंग अगर आप करेक्ट स्किन केयर नहीं यूज कर रहे हैं, एंड अदरवाइज इट कैन गो ऑन टू इश्यूज लाइक एक्नी, पोल्यूशन की वजह से, इम्प्रॉपर स्किन केयर की वजह से, एंड आजकल यू सी इन आवर फास्ट पेस्ड लाइफ, लाइफस्टाइल स्ट्रेस इतना हो गया है कि पीसीओडी और उसके स्किन मैनिफेस्टेशंस, डल ड्राई स्किन होना, ये सब इश्यूज, एलर्जीज होना, ये सब इश्यूज आजकल हम लोग काफी देख रहे हैं. मैम, जैसे आपने बताया कि स्किन सन से भी प्रोटेक्शन रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉल्यूशन से भी, बट जैसे हम अपना फेस कवर कर लेते हैं ना, इंडिया में तो मतलब फेस कवर करना हम सबसे बड़ा सन प्रोटेक्शन है, तो आपको, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वो फेस कवर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल जो हमारे सनस्क्रीन आते हैं, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव यूवी डैमेज, जो कि इंडोर भी होता है. अगर आप खिड़की के पास भी हो तो सन की रेज फिर भी आ रही हैं. सो सन प्रोटेक्शन इंक्लूड्स कवरिंग योर स्किन विद अ गुड सन प्रोटेक्टर, ऑल्सो कवरिंग योर सेल्फ, योर फेस व्हेन यू आर गोइंग आउट इन टू द सन, अवॉइडिंग एक्सेस सन एक्सपोजर ड्यूरिंग द पीक सन आवर्स. जैसे हमारा 9 बजे और 4 बजे के बीच में बाहर जाना इज वेरी डिफिकल्ट एंड देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस. सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ गुड सन प्रोटेक्शन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर क्लाइमेट. मैम, जैसे जैसे सन प्रोटेक्शन क्रीम आती है SPF 20, 25, 50, बहुत रेंज में आती है, सो द कौन सा बेस्ट SPF रहता है, या फिर ये भी एज के साथ वेरी करता है?
देखिए सबसे पहले जहाँ तक सनस्क्रीन की बात आती है, आई एम वेरी हैप्पी टू से आजकल सब लोग सनस्क्रीन प्रेफर करना शुरू कर रहे हैं, तो दैट इज ग्रेट. हाउएवर आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट्स के आप मेडिकेटेड, नंबर वन एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट लीजिए, सो दैट वट एवर इज प्रोमिस्ड टू यू इट इज एक्चुअली प्रेजेंट. जो सन प्रोटेक्शन होता है दैट इज जस्ट अ मेजर कि आप कितनी देर धूप में रहेंगे, उसमें रेडनेस कितनी जल्दी आती है. SPF 30 is also very good. It gives about 97% protection. But I generally tell my patients that SPF 50 use karo. Ki agar aapne thoda kam bhi use kiya to at least aapka 98% protection hai. Ek to ye. And most sunscreens are a combination of physical and chemical agents. Theek hai, to kahi main dekhti hu ki log chemicals inke dar jaate hain. But this is just a part of the protection that the sunscreen is giving you. अगर हम सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन बोले कि आप सिर्फ ये लगाइए तो सबके मुंह सफेद होंगे, क्योंकि वो क्रिकेटर्स की तरह व्हाइट बाम लगा के घूम रहे होंगे. तो उनकी टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, नंबर वन. सेकेंडली यू मस्ट ऑलवेज चूज अ सनस्क्रीन एज पर योर स्किन टाइप. तो जनरली पीपल आर वेरी अफ्रेड कि भाई स्किन चिप चिप हो जाएगी, लेकिन आजकल जो सनस्क्रीन आ रही है दोज आर फॉर्मुलेटेड एज पर योर स्किन टाइप. ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, हर एक के लिए सनस्क्रीन अवेलेबल है. And it is the most important part of your skin care to keep your skin looking glowing, prevent aging and to prevent marks. Wow. So, अगर आप इस गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. मैम, एक्ने की अगर हम बात करें तो बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ रेड वाले होते हैं, कुछ में पस टाइप पड़ जाता है, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. तो मैं चाहूंगी कि आप उनको एड्रेस करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने एंड व्हाट आर देयर कॉसेस. देखिए एक्ने आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है और आप देख रहे होंगे कि आजकल ऑलमोस्ट ऑल एज ब्रैकेट्स आर गेटिंग एक्ने. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्ने? एक्ने तब होता है जब हमारे ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, आइदर ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन, या फिर आप स्किन के ऊपर कुछ ऐसा लगा रहे हैं कि आपके ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो रहे हैं उसकी वजह से. और उसके बाद जो हमारे स्किन में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं और कमेंसल्स, वही जाके फिर उनको बहुत अच्छा ग्राउंड मिल जाता है, ब्लीडिंग ग्राउंड मिल जाता है, तो वो इन्फेक्ट कर जाते हैं. So that is basically what acne is, and it ranges from, you know, non hamare comedones hote hain jaise whiteheads, blackheads, we wouldn't call them actual infections, but they are like a sign ke ha aapke glands block ho rahe hain, you maybe need to see what you need to change in either your skin care, your diet or your lifestyle. उसके बाद में आ जाते हैं कि छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूलर होते हैं, फिर उसमें पस हो जाते हैं, नोड्यूल सिस्टिक बन जाते हैं, और कई लोगों में बहुत ही सीवियर एक्ने हो जाता है. So that is acne. Now coming on to the causes. Commonly आप देखते होंगे कि teenagers में होता है कि acne ज़्यादा होता है. That's because hormones हमारे settle हो रहे होते हैं because of the hormonal imbalance. The other reasons can be very commonly due to the wrong skin care. कि आप अपनी skin के हिसाब से नहीं use कर रहे हैं, आपके glands block हो रहे हैं. Makeup which is comedogenic. You know a lot of girls are using makeup and using beauty blenders and वो सब follow करके. That can be one reason. Then conditions like PCOD, उसमें भी acne होता है. So these are the various reasons that you can get acne. Okay, मैम जैसे मैं अपनी skin type की बात करूँ, you have beautiful skin by the way. Thank you so much, मैम. मुझे acne होते नहीं है generally, acne नहीं होते, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जब मैं pollution में ज्यादा हो जाती हूँ या फिर जब मैं बाहर ज्यादा निकल जाती हूँ sun waves में, तो मेरे को फेस पे ऐसे ये जैसे हो गया ऐसे एक दो यहाँ यहाँ ऐसे हो जाते हैं, वो दो दिन में ठीक भी हो जाते हैं. सो मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए या फिर मेरे जैसे जो और लोग हैं उन्हें कुछ करना चाहिए या फिर इनको बस रहने देना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द रीजन कि आपको हो क्यों रहा है, क्योंकि धूप में तो हम भी निकलते हैं, हमें भी नहीं होता. सो इट कुड बी दैट योर स्किन इज वेरी वेरी सेंसिटिव, मे बी यू नीड टू चेंज योर सनस्क्रीन टू वन व्हिच इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर और व्हिच गिव्स अ लिटिल बिट मोर प्रोटेक्शन. मे बी यू नीड टू चेंज योर फेस वॉश, कि आप शायद एक सिंपल फेस वॉश यूज कर रहे हो. मे बी यू नीड टू यूज समथिंग व्हिच इज स्लाइटली एंटी इन्फेक्टिव, डजंट हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग एजेंट लाइक सैलिसिलिक. कभी कभी ग्रीन टी भी बहुत इफेक्टिव होता है, उसके फेस वॉश भी होते हैं. It could also be that your skin is reacting to the heat of the sun, so maybe you need to cover up. It could be due to makeup also. So there are many reasons. But yes, you do need to address it. और कुछ नहीं तो थोड़ा icing आप कर लीजिए ताकि इसका mark ना छूटे, है ना. अगर आपको खुजली या itching हो रही है तो उसके ऊपर कुछ एक anti allergic लगा लें या कुछ. I feel that everything should be treated early before it leaves a mark. और फेस पर तो बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान. मैम कुछ ऐसे मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शन है स्किन केयर को लेकर जो आप एड्रेस करेंगी?